हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स भाई केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का पार्ट टू। बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का, आप उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद ही आपको ये ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। वैसे आज जो है धनतेरस है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय कोई गवाए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पार्ट टू। बच्चों, क्लास 12 में सीबीएसई हो, यूपी हो, आईसीएसई हो, अदर बोर्ड भी, इसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको अच्छे से रीड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसके बारे में जो कुछ था सब कुछ बता दिया था, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है बच्चों। बस आप उसको उस पार्ट फर्स्ट के वीडियो को देखिए, इसके बाद ये समझ लीजिए ये आपके एकदम दिमाग में आ जाएगा और फिर आपको कभी कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी है बच्चों। तो चलिए वर्किंग रूल समझते हैं पहले। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए वर्किंग रूल जानना बहुत जरूरी है बच्चों, कि हमें कैसे करना है, हर सवाल को कैसे मैनेज करना है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वर्किंग रूल क्या कहता है बच्चों, देखिए वर्किंग रूल हमारे दो तरह के, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो हमें टेंजेंट्स का वर्किंग रूल और नॉर्मल्स का वर्किंग रूल समझना होगा बच्चों, और कल हमने इस पर पूरा डाटा आपको बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वर्किंग रूल कहता है बच्चों, अगर आपका लाइन जो है वो टेंजेंट है, अगर लाइन कैसी है टेंजेंट है, तो लिखा है फॉर टेंजेंट लाइन, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा बच्चों। यानी जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा, यानी जो फंक्शन हमारे पास y = fx गिवन होगा, इस फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीवाई बाय dx मिलेगा बच्चों। उसके बाद जब dx मिल जाएगा तो कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम बच्चों dx की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जैसे x1 और y1। अब यहाँ पे 2.4 बोल सकता है, 3.2 बोल सकता है, तो x की जगह आपको 3 लगाना है, y की जगह 2 लगाना है, इस तरह से आपको dx निकाल लेना है बच्चों। और मैंने यहाँ लिखा हुआ और एनी कंडीशंस हो सकती है, अगर मान लीजिए आपके पास पॉइंट नहीं दिए है बच्चों, तो कोई ना कोई कंडीशंस दी होगी, या ऐसा बोल देगा कि एक कर्व है और कर्व जो है एक लाइन उसको क्या कर रही है, टच कर रही है, और बच्चों इस लाइन की इक्वेशन दे देगा, इस लाइन की क्या दे देगा, इक्वेशन दे देगा। पहले क्या देता था कि ये कर्व जहां टच करता था बच्चों वहां का पॉइंट दे देता था, तो पॉइंट कर्व पर भी रहता था, लाइन पर भी रहता था। तो इसका मतलब है कि डिवाइड एक्स, हम जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिवाइड एक्स की जो वैल्यू मिलती है पॉइंट पर और लाइन का एक ही हो जाता है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो एनी कंडीशन की दे सकता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेगा बच्चों, वो निकालना है x1 और y1। तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1, जो आप यहां निकाल कर रखोगे, यहां लगा दोगे x माइनस x1, ये y1 और x1 बच्चों, ये पॉइंट है जहां पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। मतलब ये जो कर्व है जहां पे ये टच करता है बच्चों, इस जगह का पॉइंट हमारे पास गिवन होता है, और ये ध्यान रखिएगा हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, यानी ये जो टेंजेंट कर रहा है, इस इक्वेशन की जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी होती है बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी लाइन ही दे देते हैं तो पॉइंट आपको पता करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट पता करना है तो इसके लिए हमें जरूरी है कि पॉइंट हमें मानना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाद जब क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो ये रहा टेंजेंट के लिए बच्चों, यही है, इसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फॉर नॉर्मल लाइन के लिए क्या होता है बच्चों, इसमें भी फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन को यानी फंक्शन यानी वक्र, यानी वक्र मतलब कर्व, कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा जो डिफरेंशिएटिंग वैल्यू होती थी वही हो जाता था, लेकिन यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या होता है बच्चों, जो डिवाइड एक्स मिलता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, माइनस वन अपॉन डिवाइड एक्स एट एक्स वन कॉमा y1, यानी इस पॉइंट पर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका रेसिप्रोकल विद माइनस हो जाएगा बच्चों, तो माइनस वन अपॉन dy by dx एट एक्स वन y1। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन dy by dx एट एक्स वन y1 x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाए रखेंगे, दबा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सही समय पर हमारा वीडियो जो होगा बनेगा, तो नोटिफिकेशन मिलेगा बच्चों। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब, अगर हम हमसे जुड़े रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपका एग्जाम बेस्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पे आपको वो चीज देंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है इस पे सवाल बताते हैं आपको, ठीक है बच्चों, ओके।
देखिए बच्चों सवाल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। बच्चों एक बात आप समझिए, हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना, और स्लोप होता है dy बाई dx बच्चों। और किसका स्लोप फाइंड करना है ये भी ध्यान रखना है, नॉर्मल है कि टेंजेंट है, टेंजेंट है बच्चों, तो नॉर्मल टेंजेंट है तो मतलब टेंजेंट का dy/dx निकालना है। और बच्चों यहाँ पे कर्व हमारे पास गिवन है, और ये कर्व जो है कर्व पर एक पॉइंट लाई कर रहा है x is equal to 4, उस पॉइंट पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है जिस पर x की वैल्यू 4 है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको कर्व लेना है 3x की पावर 4 फिर माइनस का 4x। बच्चों इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, यानी x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy by dx हो गया, 4 आगे आएगा, 4 त्रिज्या इसका डिफरेंशिएशन करिए, 4 त्रिज्या कर्व हो जाएगा और इसमें से एक पावर का माइनस 4, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। अब हमको स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और इस पॉइंट पर चाहिए, तो हम यहां लिखेंगे एट x is equal to 4 पर मुझे dy by dx चाहिए, तो मैं यहाँ पे x is equal to 4 लिखूंगा, अगर पॉइंट है तो पॉइंट लिखूंगा, तो यहाँ पे 12 लिखना है बच्चों, x की जगह 4 लगाएंगे, होल क्यूब, अच्छे से लिखिए इसको, माइनस 4, देखिए 4 तो 12 ये आपका पहले से है, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा 16, 16 4 जा होता है 64 बच्चों, माइनस का 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 4 जा कितना होता है 48, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है, और 12 6 जा कितना होता है 72, 72 बच्चों इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 76 माइनस 4 यानी कितना बचेगा, 8 में से 1 में से 4 जाएगा 4, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया बच्चों, ये हमको मिल गया dy by dx, किस पर मिला, x is equal to 4, तो ये हमारा हो गया बच्चों स्लोप ऑफ द टेंजेंट बच्चों एट x equal to 4 पर, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। बच्चों यहाँ पे जो स्लोप निकालना है वो नॉर्मल का निकालना है, इसका निकालना है नॉर्मल का, और कर्व हमारे पास x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा है, y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा है, और थीटा का पॉइंट गिवन है जिस पर हमको मतलब थीटा की वैल्यू गिवन है पाई बाई 4, और इस पाई बाई 4 पर हमें ये बताना है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा बच्चों। जैसे कोई पॉइंट गिवन होता है उस पर स्लोप पूछ दिया जाता है, यहाँ पॉइंट की जगह उस थीटा की वैल्यू गिवन है उस पर आपसे स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा गया है बच्चों। तो सिंपली आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि हमको कोई कर्व जब होता है तो उससे हम डिवाइड डी एक्स निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे तो एक्स अलग है वाई अलग है तो आप डिवाइड डी एक्स तो निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसके लिए आपको आपको जो है बताया गया होगा एक पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में, मैंने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में, आप उसका वीडियो जरूर देखिएगा, तो उससे क्या होगा आपको ये जो इस तरह के सवाल होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं डिवाइड डी एक्स निकालने का तरीका जो होता है वो भी हमने उसमें सिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, x इज इक्वल टू जो हमारे पास a cos क्यूब थीटा दिया है तो हमारा a होना चाहिए dy by dx निकालने का, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए x और y के अलावा यहाँ तीसरा जो वेरिएबल है वो थीटा है बच्चों, तो यानी पैरामेट्रिक फंक्शन बन गया, जब तीसरा फंक्शन तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ना तो वो पैरामेट्रिक फंक्शन होता है बच्चों। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये dx अपॉन d थीटा हो जाएगा, और यहाँ देखिए cos क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और इससे एक पावर बच्चों कम हो जाएगा, cos थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा बच्चों, और माइनस आगे लगा देना है, तो dx अपॉन d थीटा मिल गया बच्चों। इसी तरह से हमें y वाले को लेना है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है a साइन क्यूब थीटा बच्चों, इसको भी हमें करना है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dy by d थीटा 3 आगे आएगा 3a, इससे एक पावर कम हो जाएगा साइन का थीटा, फिर साइन का करेंगे तो बच्चों cos थीटा हो जाएगा, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब हमको बच्चों dy by dx निकालना है तो हम यहां लिखेंगे dy by dx, तो dy by dx निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि dy by d थीटा में हम क्या करेंगे सॉरी dx अपॉन d थीटा का डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो देखिए dy by d थीटा की वैल्यू कितनी है वो यहां लिख देंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा इन टू कॉस थीटा, और नीचे देखिए बच्चों क्या है dx अपॉन थीटा क्या है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा इन टू साइन थीटा बच्चों। देखिए 3a से 3a कट गया ठीक है, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक पूरा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब जो बचा है वही हमारा क्या है dy by dx है,
तो याद रखना है बच्चों, डिवाइडेड तो मिला हमको, क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन एक कॉस बचा है, तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों टेन थीटा, वो भी माइनस भी है तो आप लिखेंगे माइनस टेन थीटा। लेकिन बच्चों डिवाइडेड मिला तो, लेकिन कह रहा था इस थीटा पर स्लोप ऑफ टेन नॉर्मल बताना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको बताना है सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, थीटा की वैल्यूज पे लगा देंगे, तो यहां लिखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हम यहां लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर यहां लिख भी सकते हैं और जरूरी नहीं है यहां लिखना, ठीक है बच्चों, तो आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि इस वैल्यू पर इसकी वैल्यू फाइव दी गई है बच्चों, तो माइनस लगाइए, टेन थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा पाई बाई फोर, तो 10 पाई बाई 4 का मतलब 180 अपॉन 4 यानी कि 45 डिग्री हो गया बच्चों, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है 1, यानी हमको डिवाइडेड तो मिल गया पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो मैं आप लिखूंगा यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या लिखूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का 1 अपॉन dy / dx, 1 अपॉन dy / dx, तो 1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये आई है माइनस 1, तो आप यहां लगा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस कटती कितना हो जाएगा प्लस 1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया बच्चों प्लस 1, तो ये बहुत ही इजी सवाल है, आप आसानी से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं आपको बच्चों, नेक्स्ट सवाल है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स पूछा जा रहा है जहां पे कर्व जो है, कर्व को ये पॉइंट क्या कर रहा है, जहां पे लाई कर रहा है, यानी यहीं से हमारा टेंजेंट बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, और टेंजेंट कैसे बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है बच्चों, तो ध्यान रखना है इस तरह से हमारा ये टेंजेंट कर्व को क्या करेगा टच करके स्पर्श कर रहा है बच्चों, स्पर्श कर रहा है, तो किस पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान सकते हैं x1, y1, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये कर्व पर भी लाई कर रहा है, और ये चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर ये जो कर्व है उसपे जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री होनी चाहिए बच्चों, तो इस कंडीशन में डिवाइड एक्स का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा होता है बच्चों, और टेन थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो 10 0 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो डिवाइड एक्स का मान 0 हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है लेट करना है पॉइंट, तो x1, y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो बच्चों अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू जो हमारे पास है इक्वेशन x³ - 3x² - 9x + 7, तो वो हमने पॉइंट मान लिया है बच्चों, जो पॉइंट है वो कर्व पर भी लाई करेगा और जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे उस पर भी वो टच कर रहा है, उसी पॉइंट पे तो टच कर रहा है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, तो इस पॉइंट को इस पर लाई करा देंगे, यहां लिखेंगे x1, y1, यहां पे x1, y1, ठीक है, लाई ऑन द कर्व, तो लाई करा दीजिए, तो देखिए y की जगह लगाना है y1 और x की जगह लगाएंगे x1³ बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको हर सवाल इसी तरह से करना है, 3x² - 9x1 + 7 बच्चों, तो ये इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, क्या मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, या इसको ही फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन तो इसी का करना है बच्चों, कर्व का ही डिफरेंशिएशन होगा, इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन इसी का करेंगे, क्योंकि x और y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, बाद में जो पॉइंट होता है वो उस पर लाई करा दिया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट वाले जो वैल्यू है उसको नोट कर लेंगे, x³ - 3x² - 9x + 7, बच्चों डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx 3x² - 6x - 9, अब बच्चों इसी पॉइंट पर, ये इसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों, क्योंकि ये कर्व है, यहां पे टेंजेंट हो रहा है, यानी उसी पॉइंट को वो भी टच कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे टच हो रहा है, तो हम यहां पे भी निकालेंगे एट x1, y1 पर हम निकालेंगे dy/dx, तो बच्चों कितना मिलेगा 3x² - 6x1 - 9, बच्चों यहां पे y है ही नहीं, तो हम y की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है,
सिर्फ x है तो आप x की जगह ही x1 की वैल्यू लग पाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये जो मान मिला है, जो वैल्यू हमारे पास आई है, अब चूंकि उसने बोला था टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, यहां लिख सकते हैं टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस। बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है और हर सवाल में पॉइंट लेना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप पॉइंट नहीं भी लेते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, dy by dx निकाल लिए, फिर पैरेलल टू द x एक्सिस तो dy by dx 0 करके हम वहां से x के पॉइंट निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है लगाने का बच्चों। लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है कि आपने जहां पे आप कर्व बनाते हैं, कर्व जहां पे एक पॉइंट लेते हैं उसी जगह से वो टेंजेंट जाता है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है बच्चों, तो वो पॉइंट उन दोनों चीजों को लाई कर रहा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पॉइंट को पहले से ही क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो यहां पे ध्यान रखना होगा जब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो बच्चों डिवाइड एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तुरंत आप कंडीशन को याद रखना होगा, ये हम बता चुके हैं पार्ट वन की वीडियो में, ठीक है। तो डिवाइड एक्स अगर जीरो हो जाएगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा डिवाइड एक्स जीरो तो होगा लेकिन एट एक्स वन वाई वन की कंडीशन पे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई डी एक्स की जगह वैल्यू जो हमारे पास है बच्चों ये है ना, वो यहां लगा देंगे तो आप लगा दीजिए यहां पे सॉरी 3x1² - 6x1 - 9 और राइट में क्या है बच्चों जीरो। अब यहां से एक्स वन निकालेंगे बच्चों, देखिए 3, 6, 9 में 3 से डिवाइड कर दीजिए इस साइड में, तो हम क्या करेंगे x1² हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 9, और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसके फैक्टर कर देना है, तो 3 3 1 3 होता है बच्चों, 3 में 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो फैक्टर भी कर लीजिए x1² - 3x1 और प्लस का सॉरी x1 हो जाएगा प्लस का x1 - 3 = 0। तो x1 कॉमन करेंगे तो x1 - 3 प्लस 1 कॉमन करेंगे बच्चों, यहां से 1 कॉमन करेंगे तो x1 - 3 यहां पे भी हो जाएगा। अब दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, x1 - 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x1 + 1 = 0। एक बार इसको 0 से फिट करेंगे बच्चों, x1 - 3 = 0 तो x1 कितना आया 3। दूसरी बार में हम किसको 0 से फिट करेंगे, x1 + 1 को 0 से फिट करेंगे तो x1 आएगा -1, यानी x1 हमारे दो तरह की वैल्यूज दे रहे हैं, एक 3 दे रहा है और एक -1। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों कि x1 की दो वैल्यूज है, एक 3 है और एक क्या है -1 है। अब ये हम क्या करेंगे कि हमको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट्स बच्चों हमने माना है x1 और y1, तो x1 तो मिल गया है लेकिन y1 नहीं मिला है, तो y1 के लिए हमको अपनी इस इक्वेशन में जाना होगा, ये जो हमने माना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पॉइंट जो है इस कर्व पर लाई कर रहा था, तो हमने लिखा भी x1 y1 लाई ऑन द कर्व, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर x1, यानी जब हम x1 की वैल्यू बच्चों इसमें 2 है तो एक सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए x1 की वैल्यू जब आपने 3 लिया तब आपको y1 कितना मिला है, फ्रॉम फर्स्ट लिख दीजिए यहां पे, फ्रॉम सेकंड, तो यहां पे लगाएंगे x1 की जगह 3, हो जाएगा 27 बच्चों, यहां 3 लगेगा तो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा, फिर से 27 हो जाएगा, यहां भी 27 ही आएगा बच्चों और प्लस का 7, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और 27 में 7 घटेगा बच्चों, तो ये माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 क्यों आएगा क्योंकि 27 बड़ा है माइनस का। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है ये 0 है इधर, अब हमें ये x1 की दूसरी वैल्यू लेनी होगी, तो x1 = हमें कितना लेना है, पॉइंट यहां लिख सकते हैं आप, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले x1 की वैल्यू देखिए यहां पे 3 है, दूसरी y1 की वैल्यू -20 है बच्चों, कितना है -20। अब हम फिर से लेंगे x1 की वैल्यू -1, तब फिर से हम y1 की वैल्यू निकालेंगे और उसी इक्वेशन का यूज करेंगे, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन का ही यूज करना है बच्चों, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे -1 यूज करेंगे, तो -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस आएगा बच्चों, और यहाँ प्लस आएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचेगा, माइनस का 3, उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, लास्ट में +7, तो देखिए प्लस वाली संख्याएं ऐड कर दीजिए तो 16 हो गया, 9 और 7 16, और 3 और 4 निगेटिव वाले सॉल्व कर लीजिए तो -4, और अब यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे -4 + 16
और ये सॉल्व करेंगे तो बच्चों 12 आएगा, तो y1 12 हो गया, तो जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है बच्चों वो क्या है, x1 की वैल्यू है -1 ये वाली, और y1 की वैल्यू है 12, तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया आंसर और एक ये हो गया आपका आंसर, तो दोनों पॉइंट एक साथ हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, थोड़ा मान के लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आगे और भी वीडियो इसके लेकर आएंगे, और बच्चों आप पढ़ते रहिए, और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।